जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार ये दुबई और ओमान के देखने वाले ख़ास इन दोनों के लिए है, ठीक है, और इनमें जाने वालों के लिए भी है। मैंने ना रोमानिया की वीडियो अपलोड की, एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया, यार आप गल्फ़ के इतने ख़िलाफ़ क्यों हैं। यार मैं ना ये 3 दिन पहले की बात है, एक बंदा मुझे मिला, वो दुबई से आया, दुबई विजिट वीज़े पर गया था वो, ठीक है। जेंट ने उससे 3 लाख रुपया लिया, 3 लाख रुपया लगा कर गया वो, उधर कोई काम नहीं उसको मिला, वो वापस आ गया, ठीक है। वापस आकर वो उसका मैं इंटरव्यू भी लूँगा, वो बोलता है मेरा इंटरव्यू लेना, ठीक है। रोना शुरू कर दिया उसने, यार जितने वो पैसे लगा कर गया था, वेस्ट करके गया, वो सारे के सारे वेस्ट हो गए, और बेचारे ने अपना रक्षा बेचा इतने पैसे लगा कर। तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि यार आप इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब है, दुबई और ओमान तकरीबन दोनों का समझ लें, दुबई तो फिर भी ठीक है, मेरे जैसों के लिए ठीक है, जो पहले किसी भी कंट्री में रह कर आए हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगा। नया बंदा दुबई में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना पैसा मत ज़ाया करें, ठीक है, रुक जाएं, या तो आप थोड़े से और पैसे ले लें किसी से, तो आप रोमानिया में जाएं। रोमानिया में आने वाला कल आपका बेहतर होगा, अगर 5-6 साल आप लगाते हैं तो आपकी अच्छी एडजस्टमेंट हो जाएगी। लेकिन ये और आप नॉर्मली सैलरी जो है ना पाकिस्तानी, वो 1 लाख से ऊपर कमाएंगे, ठीक है। और दुबई में भी 700-700 600-600 पर भी सैलरी पर काम कर रहे हैं बंदे, ठीक है, जो विजिट वीज़े पर गए ना, तो उनका कोई नहीं है। तो बंदों की ये कोशिश है कि हमें जो वीज़ा ना 800 सैलरी वाला भी मिल जाए, हम 3000 धर्म देने के लिए रेडी है। और दुबई में इतना स्कैम हो रहा है इस वक्त, ठीक है, बाहर से ही आपको ना दफ्तर के बाहर से आपको गाइड करेंगे, बोलेंगे ये हमारा दफ्तर है, आप 100 दरम या 200 दरम मुझे फ़ीस दें, आपका पास बनाएंगे और आपको ना जॉब पर रख देंगे, लगवा देंगे, और वीज़ा फ्री है आपका, सब कुछ ऐसे, ठीक है। बाद में वो बंदा कॉल करता है, नंबर बंद हो जाता है। तो ये सीन हो रहा है, ये स्कैम हो रहा है, ठीक है। तो खुदारा ना दुबई ना ओमान ना बहरीन कहीं भी विजिट पर मत जाएँ, और जाना है तो कंपनी वीज़े में जाएँ। कंपनी वीज़े में जाएँगे तो आप अच्छे एडजस्टमेंट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा सब्र कर ले, आग लगी हुई है। मुझे जितने भी मैसेज करते हैं कहते यार हमें जल्दी हमारा वीज़ा नहीं यार दुबई का, यार थोड़ा सब्र कर लो, सब्र का फल मीठा होता है। मैं भी आपकी तरह का हूँ, ठीक है, मैंने जल्दी में बहुत फ़ैसले किए, और मैंने ज़िंदगी में जितने नुकसान उठाए ना, अगर मैं नुकसान इतने इन सब को मैंने करूँ ना, तो मैं एक अच्छा खासा मैंने ज़िंदगी के एहसास से अपने ज़ाया कर दिए, ठीक है। तो आप लोग, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग ना डरें, मेरा तो जो नुकसान हुए लेकिन आप लोगों के ना हो, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। नीचे करने आप वीडियो पर पैसे कमाने शुरू कर, यार मैंने वीडियो पर 1 रुपया नहीं अभी तक कमाया, ठीक है, लेकिन आप बस, ठीक है, हम बंदा किसी को मुतमन नहीं कर सकता, ठीक है। तो भाई रुक जाएं, विजिट पर कहीं भी ना जाएं, जाना है तो यूरोप पर जाएं विजिट पर, अगर आपके पास पैसे है तो फिर ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, फिर यूरोप जाएँ, बैंक अकाउंट बनाएं, ठीक है। इधर दुबई इधर खजल होने से बेहतर है कि आप कहीं अच्छी कंट्री में जाएं जहां पे आपकी एडजस्टमेंट हो सके। गल्फ़ में आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो जलील ही होंगे, बाकी आप अपनी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी। अस्सलामुअलैकुम।